तो फ्रेंड जी बिजनेस के अंदर दोस्तों टॉप 5 स्टॉक के ऊपर दोस्तों आया बड़ा अपडेट। दोस्तों आप बोल सकते हैं चौंकाने वाली न्यूज आ रही है, जिस न्यूज का बेस पे ये सब स्टॉक के अंदर आप मंडे का मार्केट में एक बहुत बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन सा स्टॉक। दोस्तों अगर आपका पोर्टफोलियो इस पांचों के अंदर एक भी स्टॉक है तो आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टॉक है दोस्तों एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड को क्रेडिट स्वीट का जो लक्ष्य था वो बढ़ा है। क्रेडिट स्वीट पहले जो टारगेट दिया था वो दोस्तों 1200 का, अभी 1300 का टारगेट पहले दे चुका दोस्तों, आउट परफॉर्मेंस का सलाह दे चुका। और एक बात बोला अगले कुछ सालों के अंदर नेक्स्ट साल के अंदर 30% का इसका टोटल के ऊपर जाम देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू के ऊपर सबके ऊपर देखने को मिल सकता है ऐसा उम्मीद है मार्केट का, जो मेरा उम्मीद है दोस्तों। और क्रेडिट स्वीट का कहना है दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है। सेकंड जो बात आया दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर देखिए मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट प्राइस कितना दिया, लक्ष्य दिया 900 रुपीज का आईसीआईसीआई बैंक का लक्ष्य। तो मॉर्गन स्टैनली अगर किसी के ऊपर टारगेट सेटअप करता है तो सोचिए स्टॉक बहुत जल्दी उस टारगेट अचीव कर जाएगा। और इसका सलाह दे चुका है, इसका बिजनेस धंधा बहुत ही अच्छा चल रहा है दोस्तों और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छा है। 2022 का इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन होने वाला है वो ब्लॉकबस्टर है। चलिए उसके बाद वाला स्टॉक देख लेते हैं दोस्तों। उसके बाद वाला स्टॉक है एमएनएम। एमएनएम के अंदर अगर आपका होल्डिंग है तो जेफरीज ने क्या अंडर परफॉर्मेंस का पार दिया और जेफरीज इसके ऊपर बुलिश नहीं है। लेकिन दोस्तों मॉर्गन स्टैनली बहुत बुलिश है दोस्तों, 1664 से 1158 तक भी इसका टारगेट प्राइस जा सकता है। लेकिन जेफरीज बहुत ही नेगेटिव इसको लेके इसलिए अंडर परफॉर्मेंस का सलाह दे चुका दोस्तों। उसके बाद वाला स्टॉक देख लेते हैं टीसीएस। टीसीएस का सिटी का रिपोर्ट है। टीसीएस सिटी ने अपना लक्ष्य घटाया, घटने के बाद 3385 रुपीज का दे चुका है दोस्तों और सेल टारगेट दे चुका है। मतलब दोस्तों जेफरीज सिटी का जो कहना है दोस्तों वो दोस्तों इसका स्टॉक फाइनेंस कंडीशन अच्छा है, लेकिन दोस्तों वैल्यू स्टॉक का प्राइस बहुत ही हाई है, इसके चलते इसका थोड़ा सा उन लोग थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिल रहा है देख लेंगे। लेकिन अदरवाइज हम लोग फाइनेंस कंडीशन की बात करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिटी ने दिया टारगेट तो देखने को मिल जाएगा 3385 का। उसके बाद सिंगल इंटरेस्ट, इसके अंदर दोस्तों देखिए मैक्रोआरी का रिपोर्ट है। मैक्रोआरी का रिपोर्ट है जहाँ पे 730 रुपीज का टारगेट प्राइस दे चुका है दोस्तों, लेकिन लेकिन आउट परफॉर्मेंस का सलाह दे चुका है। इसका परफॉर्मेंस लेवल बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो में है तो आपको आइडिया हो गया आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों ये था आप लोगों के लिए कुछ न्यूज वाला स्टॉक है दोस्तों, जो न्यूज के बेस पे आपको भी समझ में आ गया आपको इस स्टॉक के अंदर अगर आपका होल्डिंग है तो क्या करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।